हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं साथ निभाना साथिया शो के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे हर एक सीजन इसका पॉपुलर रहा है। सीजन फर्स्ट की बात करें तो वो तो सुपर डुपर हिट रहा, उसकी तो बात ही क्या कहना। सीजन टू की बात करें तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा धमाल मचाया था, यही वजह है कि 1 से 2 साल तक ये शो लगातार ऑन एयर रहा, अच्छी TRP लेकर आता रहा। लेकिन फाइनली अब इस शो के ऑफर की खबर सामने आ रही है। ऐसे में फैंस की डिमांड उठ रही है कि सीजन 3 की जल्द से जल्द प्रोमो लेकर आया जाए, सीजन 3 की एंट्री हो, यानी कि एक बार फिर से सीजन 3 में लोग देवोलीना और अहम यानी कि मोहम्मद नजीम को देखना चाहते हैं। सो यहाँ बात करने वाले हैं, क्या सच में एक बार फिर से सीजन फर्स्ट के स्टारकास्ट लौट कर वापसी करेगी सीजन 3 में? क्या आप लोग भी देखना चाहते हैं? क्या रश्मि शर्मा एक बार फिर से सीजन फर्स्ट के स्टारकास्ट को सीजन 3 में रीएंट्री करवाएंगी? जो भी होगा देखना वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फैंस के डिमांड की बात करें तो लगातार डिमांड यही है कि सीजन फर्स्ट की स्टारकास्ट आनी चाहिए सीजन 3 में। अगर सीजन 3 में साथिया सीजन 3 में अगर सीजन फर्स्ट के स्टारकास्ट की एंट्री होती है, डेफिनेटली यहाँ पर TRP बहुत ज़्यादा हाईएस्ट आएगी। स्टोरी तो वहाँ पर कमाल की थी ही, साथ में वहाँ पर जो किरदार निभाने वाले एक्टर्स थे वो कमाल के थे। उन्होंने हर एक कैरेक्टर में इस तरीके से अपने आप को दिखाया है कि कहना ही क्या है। हर एक कैरेक्टर का एक अलग ही इंपॉर्टेंस था शो के अंदर, यही वजह है कि शो सुपर डुपर हिट था और 7 से 8 साल तक ऑन एयर रहा था। तो देखने वाली बात ये होगी कि कब आएगा साथिया सीजन 3 और वहाँ पर कौन से स्टारकास्ट नज़र आएगी। क्या यहाँ देवोलीना एक बार फिर से गोपी के कैरेक्टर में नज़र आएंगी या फिर जिया माने की गोपी के कैरेक्टर में एंट्री होगी? अगर देखा जाए तो कई सारे फैंस ऐसे हैं जो कि डिमांड ये कर रहे हैं कि जिया माने की एंट्री होनी चाहिए देवोलीना की जगह पर। सो देखने वाली बात होगी क्या रश्मि शर्मा ऐसा करती हैं। जो भी होगा देखना वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कितना एक्साइटेड हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सीजन 3 के लिए, और सीजन 3 में कौन से स्टारकास्ट देखना चाहते हैं ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।